हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। तो अभी जो हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। सब्जी मैं बनाऊँगी आलू शिमला मिर्च, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। सिर्फ जीरे में बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया था। जीरा गर्म हो चटकने के बाद मैंने उसमें शिमला मिर्च और आलू को डाल दिया है, जो कि मैंने पहले कट करके और वॉश करके रखी थी, तो उनको डाल दिया है। तो बस अभी जो है मैं इसमें मसाले डाल दूंगी, जो कि 3-4 मसाले हम डेली यूज़ करते हैं, वो वाले हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैं बनाऊंगी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी को। ना ही इसमें टमाटर डाला है, ना ही प्याज डाला है, क्योंकि आज है मेरा मंडे का फास्ट है, तो इसलिए मैं आज लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। तो इसलिए तो ये देखिए हमारी जो सब्जी है बहुत ही अच्छी बनी है। वैसे मैं खाकर या टेस्ट करके नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि फास्ट है मेरा। तो यहाँ पर मैंने कवर करके 2-3 मिनट और पकाऊंगी ढककर उसको। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, और मेरा नहाना धोना मॉर्निंग में ही हो गया था। उसके बाद मैंने मंदिर गई थी, पूजा करी, और उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े देखे मशीन में, तो मैंने सोचा कि मशीन में धो ही देती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे ज़्यादा होते हैं, फिर भी हमें ही धोने हैं, तो इसलिए इससे अच्छा है कि मैं थोड़े थोड़े धो देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह धो दिए थे। तो अभी हो रहा है लंच का टाइम, दोपहर का टाइम। तो ये है हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी, बच्चों को और इनको दे रही हूँ खाना। रोटी है और दही है, और दही चीनी से खाते हैं मेरे बच्चे ना, दही में चीनी डालकर खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है दोपहर के टाइम में 1 या 1.5 बज रहा है, तो लंच वगैरह देने के बाद बच्चों को मैं फिर कपड़े जो सूख गए थे वो उतार लिए थे सारे। तो यहाँ पर मैं उनको तह लगा रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि साथ के साथ ही जो है काम करती रहूँगी, तो शाम को मेरे लिए फिर ज़्यादा काम नहीं होगा। शाम को खाना भी जल्दी बनाना है, और फिर फास्ट भी है, तो एक साथ जो है सारा काम फिर नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इनको पहले तह लगाकर, जो कपड़े सूख गए हैं इनको तह लगाकर रख देती हूँ। उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर में सो गई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और आज है 27 अप्रैल। तो मेरा जो है फास्ट है आज। मैंने दोपहर में कुछ तो दोपहर में ही लगा दिए थे तय करके, जो सूख गए थे वो लगा दिए थे, और जो बचे हुए हैं अभी वो उनको लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा घर को ठीक कर लेती, क्योंकि शाम के टाइम फिर इधर उधर हो जाता है पूरा घर ना, तो शाम के टाइम फिर से ठीक करना पड़ता है घर को। और मैंने बाल वॉश किए थे आज, ये देखिए कितनी शाइनिंग आ रही है। तो मैं पहले रात को मैंने ऑयल की मसाज करी थी, ऑयल से काफ़ी अच्छी तरह अपने बालों को अच्छे से ऑयल करा था, ऑयलिंग करी थी। और फिर उसके बाद जब बालों को वॉश करते हैं तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। तो ये देखिए सिर्फ मैंने शैम्पू यूज़ करा था क्लिनिक प्लस, और बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं ऑयलिंग करने के बाद। तो आज मंडे था, आज मुझे बाल वॉश करने थे, तो इसलिए। और मैंने सुबह से, अब मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ सुबह से, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब घर का काम तो सारा कर लिया था, लेकिन खुद के ऊपर कुछ नहीं करा था, तो इसलिए अब मैं तैयार हुई हूँ। मैंने कहा पहले थोड़ा सा खुद की जो वो मतलब शक्ल है उसको ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने घर को ठीक कर लेते, झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। बस अब मोपिंग करूंगी थोड़ी सी, तो क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा चिपचिपिक कर देते हैं शाम के टाइम भी ना, वो दूध वगैरह पीते हैं तो गिरा देते हैं, तो इसलिए अब बस मैं मोपिंग कर लेती हूँ। और बाल कंघी कर रही थी, सुबह वॉश कर रहे थे तभी कंघी कर रहे थे, उसके बाद नहीं। और मैंने आई लाइनर लगाया, ये खुला हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और आज है 27 अप्रैल। जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, आज है मंडे, तो मेरा जो है फास्ट है आज। सुबह से मैं अब मिल रही हूँ आपको शाम को। तो कपड़े वगैरह मैंने दोपहर में कुछ तो दोपहर में ही लगा दिए थे तय करके, जो सूख गए थे वो लगा दिए थे, और जो बचे हुए हैं अभी वो उनको लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा घर को ठीक कर लेती, क्योंकि शाम के टाइम फिर इधर उधर हो जाता है पूरा घर ना, तो शाम के टाइम फिर से ठीक करना पड़ता है घर को। और मैंने बाल वॉश किए थे आज, ये देखिए कितनी शाइनिंग आ रही है। तो मैं पहले रात को मैंने ऑयल की मसाज करी थी, ऑयल से काफ़ी अच्छी तरह अपने बालों को अच्छे से ऑयल करा था, ऑयलिंग करी थी। और फिर उसके बाद जब बालों को वॉश करते हैं तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। तो ये देखिए सिर्फ मैंने शैम्पू यूज़ करा था क्लिनिक प्लस, और बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं ऑयलिंग करने के बाद। तो आज मंडे था, आज मुझे बाल वॉश करने थे, तो इसलिए। और मैंने सुबह से, अब मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ
सुबह से नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब घर का काम तो सारा कर लिया था लेकिन खुद के ऊपर कुछ नहीं करा था, तो इसलिए अब मैं तैयार हुई हूँ। मैंने कहा पहले थोड़ा सा खुद की जो वो मतलब शक्ल है उसको ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने घर को ठीक कर लेते, झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी, बस अब मोपिंग करूंगी थोड़ी सी, तो क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा चिपचिपिक कर देते हैं शाम के टाइम भी ना, वो दूध वगैरह पीते हैं तो गिरा देते हैं, तो इसलिए अब बस मैं मोपिंग कर लेती हूँ। और बाल कंघी कर रही थी, सुबह वॉश कर रहे थे तभी कंघी कर रहे थे, उसके बाद नहीं। और मैंने आईलाइनर था, एक आईज में लग गया था, इस वाली में लग गया और वो सूख चुका है बिल्कुल, पूरी तरह से सूख गया है। तो जब मैंने लगाया तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे लिक्विड सा है कि चलो लगा लेती हूँ, तो मैंने लगा लिया, इस वाली में लग गया, इसमें रह गया। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पास पेंसिल काजल है उससे मैंने दूसरी आंख में जैसे तैसे करके लगाया, क्योंकि वो लगा लिया था, अब मैं इनका छुटाऊंगी तो फिर अजीब सा और लगेगा, ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें फिर काजल से लगाया। तो अभी ऐसे काम चला लिया, मेरा लाइनर वगैरह सब सूख चुका है, सारी नेल पेंट सूख गई है, तो क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने, और जो सुबह मॉर्निंग में मैंने सूट पहना था बहुत ही टाइट आ रहा था, वो मेरे को पहले से ही टाइट है इसलिए मैं उसको पहनती नहीं थी, क्योंकि जब सिल के आया था तभी से टाइट था वो, और उसके बाद फिर लूज कराने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी मैंने ये पहन लिया है कॉटन का, दिखाती हूँ आपको कैसा है ये, ऐसा है स्कर्ट वाला जो होता है वो है, और इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं, क्योंकि हम कुछ भी कुर्ती वगैरह कुछ भी लेते हैं तो दुपट्टा मैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है इसके साथ दुपट्टा नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ही कम पहनती हूँ। तो अभी ये दुपट्टा चला लिया मैंने, उसी सूट का डाल लिया उसके ऊपर, तो चल जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपनी मॉपिंग कर लेती हूँ, फिर मुझे खाना बनाना है, और खाने में मैं आज बनाऊंगी, और मैंने ये इयररिंग्स पहने हैं ये इससे मैच कर रहे थे तो मुझे अपने ड्रॉर में मिल गए, तो मैंने ये पहन लिए हैं, अच्छे लग रहे थे मुझे, अच्छे लगते हैं मतलब ये वाले, और इस कलर का मेरे पास गाउन भी है, तो ये मेरी सिस्टर लेकर आएगी, छोटी वाली सिस्टर मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छे लगते होंगे ये देखिए। तो बस अब जो है मैं थोड़ा सा मोपिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूंगी। पहले दो चार बर्तन है जो चाय के, अब चाय पीती है अभी, तो उन बर्तनों को क्लीन करूंगी जब तक मैं अपने बाल बांध लेती, क्योंकि खुले बालों में मुझसे काम नहीं होता बिल्कुल भी। और बाल मुझे अपने बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज काफी सिल्की हो रहे हैं, तो बालों को बांध लेती हूँ पहले। तो बस अब मैं आ गई किचन में, तो मैं उबालने वाली हूँ आलू, और आलू को आजकल हम पहले ही वॉश करके रखते हैं ऐसे कि पता है, तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं आलू, ये देख सकते हैं आप, तो इनको हाफ हाफ कट करके उबालने रखूंगी, क्योंकि टाइम लग जाता है अगर पूरे पूरे उबालने रखती हूँ, तो थोड़ा सा कट करके किचन में थोड़े से बर्तन रखे हैं वो क्लीन करूंगी, इसलिए उसको इग्नोर करना आप सब। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपने आलू को उबलने रख देती हूँ, जब तक मेरे आलू उबलेंगे तब तक मैं बर्तन क्लीन कर लूंगी, और उसके बाद फिर कुछ और तैयारी करूंगी, तो पहले आलू को रख देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर जो है आलू को हाफ हाफ कट करके डाल दिया है कुकर में, और पानी डाल दिया है जितना कि मुझे चाहिए, जितने में आलू उबल जाएंगे, तो अब इसको गैस ऑन करके मैं रख दूंगी गैस पे, और दो तीन सीटी आने तक हमारे जो है आलू उबल जाएंगे। तब तक मैं अपने जो चाय वगैरह के बर्तन हैं थोड़े से, नाश्ते वगैरह के वो बर्तन कर रही हूँ शाम के टाइम। तो बस यहाँ पर जो है मेरे बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो चुके हैं, काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंक वगैरह मैंने सारी क्लीन कर दी, और सीटी भी लग रही है कुकर में। तो यहाँ पर मेरे दो तीन सीटी से आलू जो है उबल गए थे, अच्छे से चेक कर लिया मैंने उनको चाकू से, तो अब इनको निकाल लूँगी, एक प्लेट में ठंडे कर लूँगी, उसके बाद जो है इनको छील कर फिर मैं सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जब भी आलू उबालती हूँ थोड़े से एक्स्ट्रा ही उबाल लेती हूँ, क्योंकि बाद में सैंडविच वगैरह में भी मैं उनको काम में ले लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ उठाकर, तो इसलिए मैं आलू को हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही उबालती हूँ, या नेक्स्ट डे आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं सब्जी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, और कढ़ाई रख दिया मैंने गैस पे, ऑयल डाल दिया है उसमें थोड़ा सा,
तो बस गैस को जो है मैंने यहाँ पर फुल कर दिया था ताकि तेल जल्दी से गरम हो जाए, और तेल गरम हो गया था, मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करूँगी, मेरा जो है फास्ट है आज तो इसलिए, और हींग डाल दिया थोड़ा सा, तो जीरे का ही तड़का लगाऊंगी मैं सब्जी में। और यहाँ पर जो है जीरा चटकने के बाद मैंने दो मीडियम साइज़ के जो टमाटर कट करे थे वो डाल दिए हैं, तीन चार हरी मिर्ची कट करी थी वो डाल दिया है, और अब वो मसाले डाल दूंगी जो कि हर सब्जी में डलते हैं, रोज़ डेली यूज़ होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। मेरा जो है मसाला दानी में ख़त्म हो गया था, तो वो उसको मेरे को पहले डब्बे में से निकालना है, मसाला दानी में डालूंगी और तब इसमें जो है नमक डालूंगी। तो ये देखिए अभी मैंने इसमें से ही डाल दिया डायरेक्ट, मैं निकालना भूल गई थी, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, दो बूंद पानी डाल दिया है ताकि टमाटर जो है गल जाए, सॉफ्ट हो जाएँ अच्छे से, और फिर मैं इसमें अपने आलू डालूंगी। तब तक जो है मैंने मसाला भुना था, तब तक मैंने अपने आलू को छील कर रख लिया था और उनको मैश कर लिया, मतलब फोड़ लिया था, ज़्यादा मैश नहीं किया है, बिल्कुल फोड़ लिया था उनको हाथ की हेल्प से ही। तो बस अब इसमें मसाले जो अच्छे से भुन गए थे, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था मसालों ने, तो मैंने इसमें अपने आलू डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, एक गिलास पानी डाल दिया है मैंने इसमें, तो देख लूँगी पहले ज़्यादा, क्योंकि पूरी बनानी है तो पूरी के साथ थोड़ी थिक ग्रेवी ही अच्छी लगती है, थिक वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है आलू की। तो बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी मेरी बन रही है, तब तक मैं आटे की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है, पूरियों का आटा लगाना है क्योंकि मुझे, थोड़ा सा नमक डाल लिया है, तो अब इसको गूँध लूँगी, गूंद कर रफली मतलब गूंद कर रख दूंगी क्योंकि थोड़ी देर में सेट होगा ये, एकदम से तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको गूंद रही हूँ और अजवाइन डाल ली है, बच्चों को वैसे पसंद नहीं है लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी डाल देती हूँ ताकि उनको ना दिखे, आटे में नहीं पता चलता है वो खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना आटा लगा लूँगी, सब्जी बन रही है, और उसके बाद फिर जो है मैं बनाऊँगी अपना हलवा, थोड़ा सा ही बनाना है। तो ये देखिए सब्जी मेरी बन चुकी है, बहुत ही मतलब देखने में अच्छी लग रही है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो पूरी के साथ जो है ऐसी ही सब्जी अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया था, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर हलवा बनाने की। तो मैंने यहाँ पर टी मेकर में थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दूंगी, इस पानी को मैं उबाल लूँगी हलवे के लिए, जिससे कि मेरा हलवा जो है जल्दी बन जाएगा। एक तरफ मैं गैस कढ़ाई रख के गैस पर सूजी को भून लूँगी और उधर मेरा पानी उबल रहा है टी मेकर में। तो यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच घी डाल दिया था इसमें, सूजी डाल दी है, अब घी डालने के बाद सूजी डाल दी, घी अच्छे से मेल्ट हो गया था और फिर डाल दिया मैंने इसमें सूजी। तो इसको भून लूँगी कलर चेंज होने तक, हल्का सा ब्राउन सा कलर हो जाए, गोल्डन सा कलर हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर गोल्डन कलर हो गया, उसके बाद मैंने शुगर डाल दिया। तो ये हलवा जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी वाला हलवा है। शुगर डाल दिया इसमें जितनी हमें चाहिए, और फिर जो पानी मैंने उबाला था कलर वाला पानी, वो अच्छे से उबल गया था, आप देख सकते हैं कितना गर्म है। तो मैं इसको धीरे धीरे करके डाल रही हूँ, क्योंकि डालना भी मुझे ही और मिक्स भी मुझे ही करना है, तो हमें इसको जो है चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है पानी डालने के बाद, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें सारा पानी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना थिक हो गया हमारा हलवा जो है, और इतना ही पतला मुझे हलवा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी देर रखते हैं तो थिक हो जाता है रखे रखे भी सूजी का हलवा। और 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है ऊपर से। तो बस ये बन चुका है हमारा हलवा टेस्टी वाला, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हलवा के कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी, और फिर मैंने तैयारी कर दी है पूरी बनाने की, क्योंकि मुझे भोग लगाना है भगवान जी को। तो पहले भगवान जी को 2 पूरी बनाकर और हलवा पूरी से मैं जो है भोग लगा दूंगी, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को और इनको दूंगी खाना, फिर मैं खाऊंगी। यहाँ पर जो है पूरी मेरी फूल चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं। तो मैं बस ये पहले 2 पूरी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं हलवा पूरी से भगवान जी को भोग लगा दूंगी और फिर इनको बच्चों को खाना दूंगी। तो यहाँ पर हमारा डिनर लग चुका है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम सब साथ में ही करेंगे, तो तुम बना लो पहले। और यह है मेरा हलवा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के भगवान जी को भोग लगाया, अभी किसी ने नहीं खाया है। और यह है हमारी आलू टमाटर की सब्जी, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, अब देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। और पूरियाँ बना ली है, और यह है शिमला मिर्च की सब्जी, ये दोपहर में बनाई थी मैंने, कोई खाएगा तो उसको खा लेगा। तो ये है पूरी गर्मा गर्म, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। मैंने पूजा कर ली थी, और खाने में जैसे कि आप सबको पता है मैंने क्या बनाया, हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनाई है। तो पूरी फास्ट में मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ हलवा पूरी, कभी कभी बनाती हूँ। पिछली बार मैंने सेवी बनाई थी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, पिछली बार मैंने सेवी बनाई थी और इस बार मैंने हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनाई। तो कभी कभी बच्चों का भी जो है मन करता है खाने का,
तो इसलिए मैंने बना दी थी। तो बस यहाँ पर जो है बच्चे खाना खा रहे हैं, हम लोगों ने खा लिया है। बच्चे धीरे धीरे खाते रहते हैं तो लगे रहते हैं वो लोग, और बर्तन क्लीन नहीं करे अभी, करूँगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ बच्चे भी खाना खा ले तो एक बार ही सारे क्लीन कर दूंगी। और बस अभी जो है थोड़े से कपड़े तय लगा कर रखने हैं, थोड़े से ही बचे हुए हैं। पहले आधे तो मैंने सारे मतलब कर दिए थे, दिन में जो सूखे नहीं थे वो रखे हुए हैं, उनको तय लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैंने मॉर्निंग से आप स्टार्ट किया था अपना जो वीडियो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ पे जो है अभी हम लोग थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे नीचे, अपनी पार्किंग में वॉकिंग करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, नीचे ही करेंगे। थोड़ी देर वॉकिंग करने के बाद फिर हम लोग सोएंगे। अभी नहीं, वैसे अभी नहीं सोने वाले हैं, अभी तो मतलब काफ़ी टाइम है, 9:15 बजे हैं। फिर बच्चों को पढ़ाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क वगैरह कराएंगे, उसके बाद जो है हम लोग सोएंगे। तो बस यहाँ पर जो है आज का जो मेरा वीडियो है, और हलवा देख के आपका खाने का मन किया कि नहीं किया कमेंट करके जरूर बताना। हलवा बहुत ही टेस्टी बना था वाकई में, और हलवा जो है मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, काफ़ी दिनों बाद बनाती हूँ तो खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। या तो काफ़ी दिनों बाद बनाते इसलिए अच्छा लगता है, या फिर पता नहीं बना ही अच्छा था तो, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगा था, जो भी है बहुत ही अच्छा लगा था हलवा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था मैंने उसमें, तो उससे जो है कलर उसका बहुत ही अच्छा आ गया था। तो बस यहीं पे कर देती मैं इस वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, लाइक और कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय।